नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय, चिन्मय गौड़। और आज हम सीखने वाले हैं दो पैट्रियोटिक सॉन्ग का मैशअप, वो भी रिदम के साथ, जिसे आप परफॉर्म कर सकते हैं आपके स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में या किसी भी फंक्शन में। आप अगर म्यूजिक टीचर हैं तो आप इसे अपने स्टूडेंट्स को सिखा के जो है उनसे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो बड़ा ही काम का लेसन साबित होने वाला है, इसे अंत तक ज़रूर देखना। आज मैं आपको उस परफॉर्मेंस के हिसाब से ही सिखाने वाला हूँ। और परफॉर्मेंस में जोश चाहिए ना, पावर चाहिए ना, स्टेज पे डर के बजाओगे क्या? इसलिए पूरे जोश के साथ, पूरे पावर के साथ और पूरे पेशेंस के साथ इस लेसन को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो दो पैट्रियोटिक कंपोजिशन है उनमें से पहली है वंदे मातरम और दूसरी है सारे जहां से अच्छा। और इन दोनों को मैंने कहरवा ताल पे जो है सेट किया है आप सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, ताकि आपको मेरे लेसन्स टाइम पे मिलते रहें। तो आपकी परफॉर्मेंस की तीन स्टेज रहेगी। सबसे पहली स्टेज जो रहेगी वो रहेगी कि आपको फ्री स्टाइल आलाप प्ले करने हैं। आलाप क्या होता है, चिंता मत करिए, आपके मन से धीरे धीरे सुरों को एक्सप्लोर करना है। कैसे एक्सप्लोर करना है चिंता मत करिए, वो भी मैं सिखा रहा हूँ। दूसरी स्टेज है कि रिदम शुरू होगी और आपको फिर उस पे सारे जहाँ से अच्छा प्ले करना है। फिर सारे जहाँ से प्ले करने के बाद ही जो है वो वंदे मातरम आ जाएगा और फिर उसकी एंडिंग हो जाएगी। तो मेरे पास जो वायलिन है वो मैंने फ़िलहाल सा प सा प ट्यूनिंग में सेट कर रखा है। घबराइए मत, अगर आप कहेंगे सा प सा प ट्यूनिंग क्या है सर, हम तो पसा पसा करते हैं, तो आपको याद नहीं होगा शायद से कि मैंने पूरी फ्रेशर सीरीज़ बनाई है आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने ट्यूनिंग में सापर सापर ट्यूनिंग कैसे ट्यून करना है, क्या होता है समझाया है। ई बी ये ट्यूनिंग है, ठीक है, एक बार जाके वो लेसन ज़रूर देख लीजिए, इस पे साउंड और भी मीठा आएगा, है ना, और बहुत सिंपल तरीके से बज जाएगा। तो म्यूज़िक भी ई स्केल में है और हमारा वायलिन भी जो है वो ई स्केल में है, याद रखिएगा सापर सापर ट्यूनिंग बी ई बी ई बी। ओके, लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो आलाप का पोर्शन होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, फ्री स्टाइल में बजाना है। कैसे बजाना है वो भी समझा रहा हूँ मैं। हम ही सबसे पहले हम जो रिदम से स्टार्ट करेंगे, हाँ, रिदम में जो बजाएंगे उससे उसी का हम आलाप बना देंगे, उसी मेलोडी का, उसी धुन का हम आलाप बना देंगे, मतलब धीरे धीरे बजाएंगे उसको वो तानपुरा के म्यूज़िक के साथ। तो एक काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन म्यूज़िक बन जाएगा। सबसे पहले आप जो है वो स्वर सीख लीजिए सारे जहां से अच्छा के और वंदे मातरम के। हाँ, वायलिन दिख रहा है ना, ठीक है। तो अभी इस ट्यूनिंग में सा जो होता है वो ये तीसरा वाला तार बन जाता है, सारे गामा बस्ता वैसे ही है, हाँ, फिंगर वैसे ही रखनी है, बस वो तार बदल जाते हैं, सारे गामा पधने सा। तो स्टार्ट करना है आपको ग से, ठीक है, अभी सा ये है, रे है ये और ग ये, तो कोमल ग, कोमल ग से ग ग। देखो आप दूसरी ट्यूनिंग में भी प्ले कर सकते हो, वो नोट्स यही रहेंगे, लेकिन फिर आपको म्यूज़िक का पिच चेंज करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत करो, हाँ, और इस बहाने इस ट्यूनिंग में आप शुरू भी कर दोगे प्ले करना, ग कोमल ग, ग रे सारे नी सा सा, ठीक है, नी शुद्ध नी सा सा, तो सा क्लोज सा, ग रे सारे नी सा सा, ओके, प ध सा रे ग मा ग ग। तो ये आपको स्टार्टिंग करना है, लेकिन बहुत धीरे बजाना है। तो ये आपको नोट्स यूज करने हैं स्टार्टिंग में, बहुत धीरे धीरे रिलैक्स स्टाइल में एकदम, तो वो म्यूजिक के साथ ट्राई करते हैं।
और फिर वृदम आ जाएगा देखना अभी। समझ गए दोस्तों? तो सबसे पहले जो है हमने आलाप की है, ठीक है, धीरे धीरे सारे जहां से अच्छा को हमने एक्सप्लोर किया। उसके बाद धा तिट धा तिट धा, 1 2 3 धा तिट धा तिट धा, और फिर रिदम स्टार्ट हो गई और उसमें हमने सारे जहां से अच्छा को रिदम में बजाया है ना। मैं सारे जहां के ऐसे अच्छा की पूरी लाइन आपको समझा देता हूँ रिदम में, जल्दी से देखो यहाँ पे। ग रे सा रे नि सा सा प ध सा रे ग म ग ग म प प प, क्या है, ग म प प प ग म ध प ग म प म ग रे सा सा रे सा नि ध प। अगर फास्ट लगाओ तो प्लीज़ पीछे करके देख लेना ताकि लेसन बहुत लंबा ना हो जाए। हाँ, मुझे बस टाइम लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है। आप पीछे करके देख सकते हो और 10 बार पीछे कर सकते हो, पर मैं 10 बार रिपीट थोड़ा कर सकता हूँ। हाँ, उसके बाद वापस सारे जहाँ से अच्छा की लाइन को रिपीट करेंगे और फिर सारे वंदे मातरम सारे मापा मापा। अब मेरी इच्छा है कि आप मापा मापा स्लाइड से लो, हाँ, लेकिन प सही आना चाहिए तब मज़ा आएगा। मापा नी, अभी देखो मैंने नी फर्स्ट फिंगर से लिया, ये नी, वैसे नी ये होता है ना, इस फिंगर से करते हैं, पर ये कोशिश करना मीन नीसा नीसा वाइब्रेटो करना। मापा नीजा नीजा मापा नीजा नीसा, म्यूजिक खत्म, परफॉर्मेंस खत्म। ठीक है, अब परफॉर्मेंस में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो भी सीख लो। तो दोस्तों, जो रिदम है, जो तबले का म्यूज़िक है, वो मैंने अपने वायलिन वाले चैनल पर अपलोड किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप उसे डाउनलोड कर सकें। तो आप एक काम करिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मेरे वायलिन वाले चैनल पर जाइए और वहाँ से आपको जो है वो म्यूज़िक मिल जाएगा। और इतना सा काम ज़रूर करना कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और करवा देना, ओके। अगर मेरी बुक नहीं पढ़ी तो मैंने उसमें सब कुछ बताया है। हाँ, बहुत शानदार किताब है यार, बहुत मेहनत से लिखी है, आलाप तान राग ताल सब कुछ समझाया है, संगीत का अध्यात्म से रिश्ता भी बताया है। जाकर पढ़ लेना, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है मेरी किताब संगीतमय चिन्मय। हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वादा करता हूँ। अब आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको भी बहुत ध्यान से देखना, इस वाले पोर्शन को सुनना। सबसे पहले तो जो मैंने शुरुआत में म्यूज़िक दिया है तानपुरे का पीछे, हाँ, वो ई स्केल का है पूरा, ये बीट का और ये सब, आपका जो भी फ्लूट का स्केल हो प्लीज़ उसमें ट्यून कर लेना। कैसे ट्यून करना है तो एप्लीकेशंस आती है स्केल चेंजर की, ऑनलाइन गूगल पर जाओगे तो ऑनलाइन भी हो जाएगा। जो भी बांसुरी का स्केल हो उस पर ट्यून करना, स्केल नहीं पता तो मेरा बहुत ज़्यादा शानदार लेसन है जो बहुत काम का है हर फ्लूट के विद्यार्थियों के लिए।
ट्यूनिंग के ऊपर है, दो लेसन है फ्लूट का ट्यूनिंग के ऊपर, ज़रूर देखना, उसमें आपको बहुत डिटेल में जानने को मिलेगा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। ओके, तो स्केल अपना चेंज कर लेना। दूसरी बात, जिस टाइम में 40-50 सेकंड का जो स्टार्टिंग टाइम है उसमें आपको आलाप प्ले करने हैं, कैसे प्ले करने हैं उसी में फिनिश कर देना, उससे लंबा भी नहीं करना, शॉर्ट भी नहीं करना है बहुत, ठीक है, ताकि आपने एंडिंग किया तो आप जैसे ही वो स्टार्ट हुआ बीट उसमें आपको हिंट मिलता है, धा तट धा तट धा, फिर आपको स्टार्ट कर देना है, वापस सुनो वो हिंट क्या है। ये करीबन 50 सेकंड तक चलता है ये, हाँ देखा, धा तट धा तट धा, और फिर सारे जा वो बीट में आ जाएगा, ये देखो। सारे मतलब वन धट इत धट इत धा, और आपको फिर शुरू कर देना है। इस बात का ध्यान रखना, उसमें गलती मत करना, ठीक है। और वैसे तो म्यूज़िक आपके अंदर है, स्टेज पे बजाओगे, लोगों के सामने बजाओगे, तो बिल्कुल मत घबराना, आँख बंद करना और मेरा हंसता हुआ चेहरा याद कर लेना, ठीक है। सोचना कि मैं ही बजा रहा हूँ या मेरे गुरु जी बजा रहे हैं, और देखो फिर क्या बाजुई बजती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। लोगों की तालियां भी काम की नहीं होती और गालियां भी काम की नहीं होती, आप तो बांसुरी बजाओ, बजाएगा तो वो, ठीक है। अच्छे से तैयारी कर लेना, 13 से 15 अगस्त के बीच तक इसको पूरे को अच्छे से तैयार करना, और फिर इसको परफॉर्म करना अपने अपने सोशल मीडिया, यूट्यूब पे करना है, यूट्यूब पे करो, इंस्टाग्राम पे करना है, इंस्टाग्राम पे करो, फेसबुक पे करना है उस पे करो, और प्लीज़ मुझे ज़रूर टैग करना, मेरी प्रोफाइल को ज़रूर टैग करना, ताकि मैं भी तो देखूं कि आपने क्या तैयार किया, मेरे स्टूडेंट्स मेरी कितनी बात मानते हैं, मैं ज़रूर उस पे अपना रिव्यू दूंगा, ठीक है। आपको मेरी आईडी नहीं पता तो सर्च करो मुझे जाके। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद और जय भारत।